नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जो सर्कमसीजन है वो शादी करने से पहले करवाएं या बाद में करवाएं। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं शादी के आसपास की अब कुछ दिक्कत आ रही है लिंग में, उसकी सील टाइट है, फाइमोसिस है, चमड़ी खुलती नहीं है, पीछे नहीं जाती है, पीछे चली जाती है तो आगे नहीं आती है, कष्ट होता है, या मैस्टरबेट करने में पेन होती है, कट्स लग जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि ये काफ़ी लोग इनमें से जो है कि शादी के थोड़े दिन पहले आते हैं कि अब सरकमसीजन कराएं कि नहीं कराएं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये इसकी टाइमिंग, सही टाइमिंग क्या है। सबसे पहली बात कि एडल्ट्स में सरकमसीजन क्यों करना पड़ता है, क्या ज़रूरत होती है सरकमसीजन करने की एडल्ट्स में। सरकमसीजन जैसे कि हम जानते हैं, जिसको भी सुन्नत या खतना कहते हैं, लिंग के आगे की जो चमड़ी है लूज, उसको अगर हम सर्जिकली या स्टेपलर से काटें तो उसको सरकमसीजन कहा जाता है। सरकमसीजन की जरूरत पड़ती है ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे लिंग की चमड़ी टाइट है, जिसको फाइमोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में, चमड़ी पीछे नहीं जा रही, जब सेक्स करते हैं या मैस्टरबेट करते हैं उसकी वजह से वहाँ पेन होता है या यूरिन पास करने में दिक्कत है, उसकी साफ सफाई रखने में, उसको हाइजीन मेंटेन करने में परेशानी आ रही है, इसको फाइमोसिस कहा जाता है। पैरा फाइमोसिस होता है कि चमड़ी पीछे तो चली जाती है लेकिन आगे आने में उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जगह टाइट है, इसको पैरा फाइमोसिस कहते हैं। तीसरा होता है कि बेलेनोपस्थाइटिस, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन होना, बार बार कट्स लग जाना, डायबिटिक्स में ये चीज़ कॉमन होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ना एडल्ट्स जो हैं वो इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, शर्म करते हैं, टीनएज में होते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती हैं, मैस्टरबेट करते हैं, पेन हुआ, पेरेंट्स से छुपाया, बात नहीं की, किसी कंसल्टेंट को नहीं दिखाया इस चीज़ के लिए, एक्सपर्ट को नहीं दिखाया, और वो सफ़र करते रहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब जैसे जैसे ग्रो करे, प्रॉब्लम के साथ जीते रहे, शादी की बात आई उस टाइम अचानक उनको याद आता है कि अब इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी। तो आइडली शर्म छोड़ करके जब ये प्रॉब्लम शुरू हो, आप डिस्कस करें अपने डॉक्टर से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, छुपाई नहीं, और इस चीज़ का इलाज टाइम रहते करवा लें। शादी के जस्ट पहले जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने वाली है उस टाइम पे सरकमसीजन कराने से हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि 1 महीने तक सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी होती है, तो उसमें यही बस एक परेशानी आती है। तो अगर ये परेशानी है तो इट्स ओके कि आप शादी से पहले ये चीज़ सॉल्यूशन करवा लें, और आप अपने पार्टनर को भी, होने वाले पार्टनर को भी बता सकते हैं कि कुछ इश्यूज हैं, उसको हमने ट्रीट करना है, एंड पार्टनर ये चीज़ें अंडरस्टैंड आमतौर पे कर लेंगे। तो जब भी ऐसी कोई परेशानियां हैं जिसमें कि सेक्सुअल लाइफ में कुछ इफेक्ट होने वाला है, इसको आप टाइम रहते पहले ही सरकमसीजन करवा लें। सरकमसीजन अपने आप में एक बहुत मेजर प्रोसेस नहीं है, ये अंडर लोकल एनेस्थीजिया या कुछ लोग प्रेफर करते हैं जनरल एनेस्थीजिया या स्पाइनल एनेस्थीजिया, इसमें ये आमतौर पे 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है, ये टाइम से हो जाता है। हीलिंग प्रोसेस 2 से 4 हफ्ते रहता है, 4 हफ्ते तक हम लोग मना करते हैं क्योंकि घाव कच्चा होता है, अभी वूंड हील नहीं हुआ होता, स्टिचेस या स्टेपल्स होते हैं तो वो अभी हीलिंग में प्रॉब्लम कर सकता है अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करें। तो 1 महीने के बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स सरकमसीजन ना करवाने की वजह से जो आती हैं, जैसे कि कट्स लगे होते हैं, इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, वहाँ पे चमड़ी टाइट है, फेमोसिस है, फ्रेनुलम टाइट है, तो ये चीज़ें पहले ही सॉल्व करना बेहतर रहता है। अगर ये प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व नहीं की सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले, तो बाद में क्या होगा, सेक्स करने के टाइम पेन हो सकता है, वो जो कट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, चमड़ी खुल नहीं रही, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल रहा, फ्रेनुलम टाइट था उसमें कट लग गया, फट गया फ्रेनुलम, अचानक से बहुत ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, तो ये सब इश्यूज बाद में फेस करने से अच्छा है कि पहले ही इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए। बाद में ये सॉल्यूशन अगर इस चीज़ को हम डिले करते हैं, अनदेखी करते हैं, ये चीज़ें आपकी सेक्सुअल लाइफ में इंटरफेयर करेंगी, इसकी वजह से प्लेजर कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, पार्टनर कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, तो इनका बिना शर्म किए सॉल्यूशन पहले ही करना ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, दिखाने आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजी है,
ऐसा बोलते हैं ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये सब चीज़ें पहले ही सॉल्व कर ली जाएं तो बाद में मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, सेक्सुअल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा और शादी के बाद ये सब इश्यूज आप फेस नहीं करेंगे। दोस्तों आपको अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप मिल सकते हैं, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, हेड ऑफ द यूनिट यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज न्यू दिल्ली में।